हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। हाय, माय नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद ट्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यु आईएएस व्हिच हैज़ गिवन मोर देन गिटी टू हंड्रेड सेलेक्शंस सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक बच्चे यू के अंदर हम लोग ने ये देखा है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसकी वेटेज ना बाकी से थोड़ी ज्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल एमएसएमई अपने आप में जो एक सेक्टर है एमएसएमई राइट एमएसएमई सेक्टर जो है थर्टी परसेंट ऑफ द जी को कॉन्ट्रीब्यूट करता है राइट right? तो जब हम इकोनॉमी का कोई सवाल डालने की कोशिश करते हैं तो हम ये भी देखते हैं साथ साथ में कि यार ये सबसे ज्यादा एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूटर है कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है कौन सा तो उनमें से एक जो सेक्टर पड़ता है दैट इज योर एमएसएमई जो मैंने जैसे आपको बताया कि 30% ऑफ द जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका एमएसएमई सेक्टर देता है ईयर पेपर के अंदर भी देखा गया है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं इससे चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो आपके स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो हो कोई भी एग्जामिनेशन उसके अंदर आपको एमएसएमई सेक्टर के सवाल देखने को मिलते हैं उसके अंदर वैसा ही आज एक टॉपिक है बच्चे रैंप प्रोग्राम ये नया प्रोग्राम नहीं है ये आपका कोरोना के टाइम का प्रोग्राम था ये वर्ल्ड बैंक के साथ एसोसिएशन के अंदर हमने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था राइट अभी क्या है कि इसके अंदर ना तीन नई सब स्कीम्स लॉन्च हुई हैं अंडर द रैम प्रोग्राम रैम की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी ठीक है पहली बात तो मतलब आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में फर्क होता है कि आप गिवन रिसोर्सिस में मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे तो मतलब हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी हाई है विदाउट एनी न्यू इक्विपमेंट मतलब बेसिकली प्रोडक्टिविटी का मतलब efficiency से होता है कि आप कितना एफिशियंटली प्रोड्यूस कर पा रहे हो और ये आगे जाके कई सारे और एस्पेक्ट से लिंक होता है पर हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सिर्फ मैंने आपको छोटा सा ट्रिविया देना था कि इसमें प्रोडक्टिविटी वर्ड का कुछ मतलब है राइट सो रेजिंग अवेयरनेस एक्सिलेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी

तो कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि तीन नई सब स्कीम्स है मिनिस्ट्री कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है ना ये भी आपने याद रखना है कई बार वो ऑप्शन के अंदर एक कोई बनावटी कोई मनगढ़ मिनिस्ट्री का नाम डाल देते हैं ना पर ये मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई राइट बच्चे तीन सब स्कीम्स कौन सी हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि रैंप प्रोग्राम क्या है बहुत ब्रीफ में देखेंगे बहुत शॉर्ट में देखेंगे रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी तो अगर तो आप मान लो पीसीएस एच वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एचपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर दैट मैटर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो आपको सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और खासकर जो ग्रुप बी पोस्ट होती हैं राइट थोड़ी नीचे वाली पोस्ट होती हैं ग्रुप ए पोस्ट नहीं है तो उनमें ये वाले सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड ये यहाँ पे की है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है बच्चे ये और लॉन्च कब हुई थी ये सपोर्टिंग वेरियस कोरोना वायरस डिजीज रिजिलियंस एंड रिकवरी इंटरवेंशन ज ए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड सेंट्रल सेक्टर स्कीम सपोर्टिंग वेरियस कोरोना वायरस डिजीज रेजिलियस एंड रिकवरी इंटरवेंशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई ठीक है जी और किसके लिए एम करती है बच्चे अब देखिए अगेन इसमें चार ऑप्शन है, है ना तो चार चीजें हैं तो ये इसके ऊपर सवाल बनना थोड़ा सा ईजी है आइए बच्चे देखते हैं क्या करता है ये ये बच्चे आपके लिए मेन्स में भी काम आएगा है ना तो मेंस में मतलब अगर आपने किसी चीज को रिजिलियंट बनाना है या किसी एमएसएमई को सपोर्ट करना है किस तरीके से करते हैं इस तरीके से करते हैं तो मेंस को भी आप इस यहां से थोड़ा सा यहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो एक्सेस टू मार्केट एंड क्रेडिट स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस एट द सेंटर एंड स्टेट गवर्नेंस को इंप्रूव कर दो सेंटर स्टेट लिंकेज को इंप्रूव कर दो पार्टनरशिप्स को बढ़ावा दो एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ डिलेड पेमेंट्स एंड ग्रीनिंग ऑफ एम एस एम ईज ग्रीनिंग का मतलब अभी देखते हैं वो पर्टिकुलर है, इसके लिए ही फोकस कर रही है बच्चे ग्रीनिंग को ही फोकस कर रही है एमएसएमई के अंदर की बात हुई है नंबर वन इज एम गिफ्ट स्कीम गिफ्ट स्कीम इज ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम दिस स्कीम इंटेंड टू हेल्प एम एस ग्रीन टेक्नोलॉजी ठीक है जी एम गिफ्ट स्कीम इज

फर्स्ट एवर स्कीम इन दवर्नमेंट टू सपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट विच विल बी डन थ्रू क्रेडिट सब्सिडी जो आप लोन वगैरह लेते हैं उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी एंड वी लीड टू रिलाइन दीम ऑफ एमएस सेक्टर टूवर्ड जीरोकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज योर सिडवी है ना यह भी आपने ध्यान रखना है लास्ट वो लेकिन कुछ और है लास्ट इज एक्सक्यूज एम स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स है ना नाम से समझ में आएगा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स लीगल सपोर्ट मिलेगा आईटी के थ्रू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा इसकी जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज एन नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विसेज ठीक है जी नो no, एस की सिग्निफिकेंस मैंने आपको पहले भी बताई थी बच्चे यू कैन टेक स्क्रीन शॉट एंड दीज आर दी रिलेटेड स्कीम जो कि एम के साथ में आप, आपको पढ़नी जरूरी है इसके ऊपर सवाल जो है वो आ सकते हैं एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू प्लीज चेक आउट अभिमन्यू आई एस करंट अफेयर मास्टर कोर्स ट्वेंटी it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.